दो दिन पहले क्या हुआ दोस्तों, मेरे क्लासेस में किसी एक कंप्यूटर का किसी स्टूडेंट ने ना जाने पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया, आई डोंट नो, पासवर्ड चेंज कर दिया। लॉगिन का जो पासवर्ड रहता है वही पासवर्ड चेंज किया। तो मैं एंटर कर रहा हूँ बार बार पासवर्ड, तो वो जो रेगुलर पासवर्ड है मैं एंटर करे जा रहा हूँ लेकिन एंटर नहीं हो रहा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी कभी आप फ्रिक्वेंटली पासवर्ड चेंज करते रहते हैं अपने एक कंप्यूटर के लॉगिन का। तो उस समय में होता क्या है कि आप कभी कभी पासवर्ड भूल जाते। तो ऐसे में होगा क्या, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपकी फाइल्स तो अंदर है, तो अगर आप किसी हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर को बोलोगे तो बोलेगा इसे फॉर्मेट कर दो, मतलब फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, यही आपके लिए वो सॉल्यूशन बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा विंडोज़ का पासवर्ड रीसेट करने की एक ट्रिक्स है जो आपको सीखनी चाहिए। और अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो या कंप्यूटर में कुछ भी नया सीखने की रुचि रखते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि विंडोज़ का पासवर्ड रीसेट करने की यूटिलिटी, बिना ओल्ड पासवर्ड के कैसे कर सकते हैं आप विंडोज़ का पासवर्ड रीसेट, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। Let's begin. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो मेरे चैनल पे और आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, एक्सेल में बनना चाहते हैं स्मार्ट, तो आपको करना होगा क्या, मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। चलिए बढ़ते आज के टॉपिक की ओर। तो जी हाँ दोस्तों, आप भूल गए आपके कंप्यूटर का लॉगिन पासवर्ड और आप बार बार एंटर करे जा रहे हैं लेकिन आपको पासवर्ड मिल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। उसके लिए सोल्यूशन बहुत सिंपल है और आपको जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास चाहिए एक बूटेबल पेन ड्राइव। जी हाँ, बूटेबल पेन ड्राइव क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये अगर आप नहीं जानते तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाया जाता है। सिंपल है, विंडोज 7 का ये बूटेबल पेन ड्राइव अवेलेबल है। अब इस बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से मैं करूँगा क्या, ये बूटेबल पेन ड्राइव मैं मेरे कंप्यूटर को अटैच करूँगा जिसका मुझे पासवर्ड रीसेट करना है। अब जैसे ही मैं इसे अटैच करूंगा मैं मेरे सिस्टम को रिस्टार्ट कर दूंगा, मतलब कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दूंगा। तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के बाद आपको बायोस सेटिंग्स में चले जाना है। यानी बायोस सेटिंग कैसे आएगी आपके कंप्यूटर में, आपको उसके लिए प्रेस करना है कंप्यूटर पे डिलीट बटन। जी हाँ दोस्तों, डिलीट बटन अगर आप प्रेस करते हो तो आपको बायोस सेटिंग मिलने वाली। लेकिन अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो अलग अलग लैपटॉप की कंपनी के हिसाब से उसका बायोस सेटिंग इनेबल होता है। जैसे कि कुछ लैपटॉप में F2 ये फंक्शन की यूज होता है, कुछ लैपटॉप में F10 यूज होता है, कुछ लैपटॉप में शायद F12 F8, ऐसे अलग अलग है, आप चेक कर लेना। अगर आप नहीं जानते उसके बारे में तो गूगल पे सर्च करके आपको बायोस सेटिंग का की जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर कंप्यूटर में कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसका बायोस अगर आपको ऑन करना है या बायोस की सेटिंग अगर देखनी है तो आपको डिलीट बटन प्रेस करना है। चलिए मैंने डिलीट बटन प्रेस कर दिया। डिलीट बटन प्रेस करने के बाद आपको बायोस सेटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बायोस की स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों स्टैंडर्ड बायोस फीचर्स एंड एडवांस बायोस फीचर्स। तो इसमें मैं एडवांस बायोस फीचर्स में चले जाऊंगा। एडवांस बायोस फीचर्स को सिलेक्ट करके बस आपको एंटर बटन प्रेस करना है यहाँ पे। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको एडवांस बायोस फीचर्स की विंडो मिलेगी जिसके अंदर आपको हार्ड डिस्क ड्राइव्स में जाना है। जी हाँ, हार्ड डिस्क ड्राइव्स ये ऑप्शंस पे प्रेस एंटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहां पे एंटर कीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे फर्स्ट ड्राइव और सेकंड ड्राइव, ऐसे दो ड्राइव आपको दिखाई देंगे जिसमें फर्स्ट ड्राइव में आपकी हार्ड डिस्क रहेगी, साटा दिखाई दे रहा है, और सेकंड ड्राइव में यूएसबी पेन ड्राइव है, यूएसबी स्कैन डिस्क जो मैंने पेन ड्राइव अटैच किया है, जो मेरा बूटेबल पेन ड्राइव। अब मैं इसे ऊपर की पोजिशन पे, मतलब फर्स्ट ड्राइव पे सेट करने के लिए प्लस प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे। जैसे मैं प्लस प्रेस करूंगा ये फर्स्ट ड्राइव पे आ जाए, मतलब ये यूएसबी स्कैन डिस्क क्रूजर ये फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएगा, फर्स्ट ड्राइव यहाँ पे सेट करना है। तो ये मैंने क्यों सेट किया दोस्तों, क्योंकि अभी मैं पेन ड्राइव में से विंडोज को रन करने वाला हूँ। जी हाँ, पेन ड्राइव में से विंडोज को रन करूंगा। जो फॉर्मेटिंग के स्टेप्स रहते हैं जनरली हम कंप्यूटर फॉर्मेट के लिए जो स्टेप्स यूज करते हैं वही मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करूंगा, लेकिन आगे जाकर पूरा फॉर्मेट तो नहीं करना है हमें, लेकिन स्टेप्स वैसे यूज करने क्या करना है ये तो थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगा मैं, आगे चलकर आपको बता दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे F10 बटन प्रेस करूंगा दोस्तों। F10 प्रेस करते ही यहाँ पे इसे ओके कर दूंगा, F10 यानी कि सेव करना होगा। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा ये फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होते ही ये पेन ड्राइव में से बूटिंग चालू करेगा, मतलब विंडोज 7 जो होगा पेन ड्राइव से लेगा ये अभी। तो पेन ड्राइव से बूटिंग यहां पे स्टार्ट होने वाले दोस्तों अभी। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे विंडोज 7 का मेरा बूटेबल पेन ड्राइव, तो विंडोज 7 इस तरह से स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। मैं एज इट इज रखूंगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, एज इट इज रखना है आपको और नेक्स्ट करना है। फिलहाल तो हमें फॉर्मेट वगैरह कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे बस स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट करना है दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक और स्क्रीन आ रही है, इसमें हमें इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड R2 आ रहा है, लेकिन मुझे वो इंस्टॉल नहीं करना है, रिपेयर पे क्लिक करना है। रिपेयर बटन पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि हम चाहते हैं इसके अंदर से कुछ सेटिंग्स करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें देखते हैं। यहाँ पे सिस्टम रिकवरी
ऑप्शन आ रहा है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है दोस्तों। तो इस स्क्रीन में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन अलग दिख रहे हैं स्टार्टअप रिकवरी के। तो स्टार्टअप रिपेयर कर सकते हैं, सिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं, सिस्टम इमेज रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। हमें करना है पासवर्ड रीसेट, तो हम करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज। तो अब मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट का यूज हमें क्यों करना है ये आपको अभी बता देता हूं। जैसे ही आप जब पासवर्ड डालने जाते हैं, जब भी मेरा पासवर्ड फॉरगॉट हो चुका था, मैं पासवर्ड डाल रहा था तो वहां पे पासवर्ड एंटर नहीं हो रहा था दोस्तों, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मेरा पासवर्ड भूल गया हूं मैं, या फिर मैं पासवर्ड डाल रहा हूं जो मुझे याद नहीं है, तो यहां पे वो लॉगिन नहीं होता है। लेकिन लॉगिन होने के पहले अगर आप नोटिस करोगे स्क्रीन पे, लॉगिन स्क्रीन पे लेफ्ट कॉर्नर में एक आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एजे ऑफ एक्सेस। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे कुछ एप्लीकेशंस आपको दिखाई देते हैं, जिसमें सेकंड नंबर के एप्लीकेशन पे गौर करो वो है मैग्नीफायर। अगर मैं ये चेक करता हूं और अप्लाई करता हूं तो मैग्नीफायर चालू हो जाता है, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली स्क्रीन पे कि मैग्नीफायर चालू हो चुका है। तो ये मैग्नीफायर अगर यहाँ पे विंडोज लॉगिन के पहले ही चालू होता है, यानी कि मैं विंडोज लॉगिन के पहले मैग्नीफायर अगर स्टार्ट कर पाता हूँ, इसका मतलब है कि विंडोज लॉगिन की मुझे जरूरत नहीं मैग्नीफायर के लिए। तो वैसे ही अगर ये मैग्नीफायर की जगह मैं दूसरा सॉफ्टवेयर रिप्लेस करूँ, यानी कि मेरा CMD का सॉफ्टवेयर अगर मैं रिप्लेस करूँ और CMD का सॉफ्टवेयर अगर यहाँ पे रन हो जाए विंडोज लॉगिन के पहले, तो मैं आसानी से पासवर्ड रीसेट कर पाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या होगा, तो चलिए अभी हम अपने स्क्रीन पे जाते हैं और मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ रेगुलर कंटिन्यू स्क्रीन, जहाँ पे हमारे पास आ चुकी है ये कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन। तो अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूंगा और जैसे मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूंगा आपके पास यहां पे डॉट चालू हो चुका है। तो ये डॉट जो है ये हमने कंप्यूटर स्टार्ट करने के पहले ही यहाँ पे ले लिया दोस्तों। अब इसके अंदर हमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूं सिंपली। इस डॉस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक्स सोर्सेस यानी कि एक ड्राइव आ रहा है पेन ड्राइव से, मुझे इसमें सी ड्राइव फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम C: लिख के एंटर करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ, ये जरा ध्यान से देखना है आपको। C: लिख के हमने एंटर किया और उसके अंदर हम देखना चाहेंगे कि यही सी ड्राइव है कि नहीं। इसके लिए मैं टाइप करूंगा CD space Windows करेंगे और एंटर करेंगे। अगर विंडोज फोल्डर इसमें मिला तो ही ये सी ड्राइव है। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है देखिए, द सिस्टम कैनॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, इसका मतलब ये सी ड्राइव नहीं है दोस्तों। तो अगर ये सी ड्राइव नहीं है दोस्तों तो सी ड्राइव है कहाँ पे? सी ड्राइव के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे D: लिख के देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा विंडोज फोल्डर अवेलेबल है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं D: लिखूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डी ड्राइव में हम आ चुके हैं। फिर CD: Windows ये कमांड मैं यहाँ पे डॉस में लिखूंगा और आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे CD: Windows के बाद वो फोल्डर हम लोग एंटर कर चुके हैं, मतलब इस फोल्डर में आ चुके हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा सी ड्राइव है। अब आप बोलोगे ये तो हमारा सी ड्राइव नहीं रहता है, जनरली सी ड्राइव तो हमारा सी रहता है, लोकल डिस्क सी ड्राइव करके रहता है, फिर ये डी ड्राइव सी ड्राइव कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप पेनड्राइव से बूट करते हो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम पेनड्राइव से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सी ड्राइव जो होता है वो उसका लोकेशन चेंज होता है, मतलब यहाँ पे डी ड्राइव को हम सी ड्राइव बोलेंगे दोस्तों। तो आगे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ दोस्तों कि अभी आपको करना क्या है, इस सी ड्राइव के अंदर, मतलब ये जो डी ड्राइव है इसके अंदर हमें System32 फोल्डर के अंदर जाना है। तो CD System32 टाइप कीजिए और एंटर बटन प्रेस कीजिए। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमारी जो मैग्नीफाई फाइल रहती है, यानी मैग्नीफाई सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, जो मैंने बताया था magnify.exe फाइल को हम लोग रीनेम करेंगे और उसका नाम abc.exe वगैरह हम रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कमांड दी है REN magnify.exe to abc.exe, मतलब दोनों के बीच में स्पेस दिया है, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो इस कमांड से होगा क्या, जितनी भी magnify.exe इस एप्लीकेशन की फाइल से वो सभी abc.exe में चली जाएगी। अब इससे बेनिफिट हमारा ये होगा कि magnify.exe ये नाम आपके लिए खाली रहेगा, यानी कि आप इसमें अभी कोई भी एप्लीकेशन की फाइल रिप्लेस कर सकते हो। तो आगे की कमांड में हम करेंगे क्या, डॉस में आगे देखते हैं। यहाँ पे हम REN cmd.exe magnify.exe करेंगे। तो अभी होगा क्या, cmd.exe यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट की जितनी भी फाइल्स है वो चली जा रही है कहाँ पे दोस्तों, सिंपल है, वो चली जा रही है magnify.exe के अंदर। यानी कि मैग्नीफाई सॉफ्टवेयर की जगह अभी कमांड प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर चालू होगा जब आप विंडोज स्टार्ट करेंगे। तो ये अब मैंने ये सारी चीजें क्यों की है, क्योंकि जैसे ही मैं कंप्यूटर स्टार्ट करता हूँ वहां पे लॉगिन स्क्रीन पे मुझे लेफ्ट कॉर्नर पे एजे ऑफ एक्सेस मिलता है। मैंने आपको बताया था एजे ऑफ एक्सेस में हमें मैग्नीफायर मिलता है। चलिए हम स्टार्ट करके देखते हैं, अब मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं आगे करूंगा एग्जिट, मतलब ये डॉस को मैं करूंगा अभी क्लोज एग्जिट करके, फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करूंगा। रिस्टार्ट करते ही पेन ड्राइव रिमूव करना मत भूलिए, क्योंकि पेन ड्राइव अगर वैसे रखेंगे आप तो दोबारा फिर से पेन ड्राइव से बूट होना चालू हो जाएगा। तो पेन ड्राइव तो रिमूव कीजिए, नहीं तो बायोस में जाके फिर से हार्ड डिस्क को फर्स्ट पोजिशन पर रख दीजिए। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, जो ईजी लग रहा है वो कीजिए। पेन ड्राइव निकालना ही ईजी है दोस्तों, पेन ड्राइव निकाल लीजिए। अभी आपका विंडोज हार्ड डिस्क से बूट होने वाला है, सिंपल है। पहले तो पेन ड्राइव से बूट हो रहा था, अभी हार्ड डिस्क से बूट हो रहा है। अब हार्ड डिस्क से बूट होने के बाद आपको इस तरह से लॉगिन स्क्रीन आ चुकी
कि आपके सामने सपोज ये लॉगिन स्क्रीन में आपको तो पासवर्ड पता नहीं है, आप तो पासवर्ड भूल गए हो, तो आप इजी ऑफ एक्सेस जो बॉटम में है इस कॉर्नर पे जो आपको दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे, वहाँ पे क्लिक कीजिए। उस पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल रहा है जिसके अंदर आपको सेकेंड नंबर का जो मैग्नीफायर एप्लीकेशन है उसे चेक करना है और स्टार्ट करना है। अगर अब ये मैं मैग्नीफायर एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैग्नीफायर एप्लीकेशन नहीं स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे डॉस चालू हो रहा है, सीएमडी चालू हो रहा है। जी हाँ, हम लॉग इन करने के पहले ही सीएमडी चालू कर चुके हैं। अब इसके हेल्प से हम लोग हमारा पासवर्ड को रीसेट करेंगे। एकदम सिंपल, अभी एक ही कमांड देनी है आपको इसके अंदर और बस आपका पासवर्ड रीसेट। तो चलिए देखते हैं। अब आपको इस डॉस की स्क्रीन के अंदर सिंपल LUSR MGR ये कमांड टाइप करना है। LUSR MGR का मीनिंग होता है लॉगिन यूजर मैनेजर दोस्तों। तो हम लॉगिन यूजर मैनेजर कंप्यूटर के लॉगिन होने के पहले ओपन करें। चलिए एंटर बटन प्रेस कीजिए। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जो कि आप यूजर एंड ग्रुप्स बताता है। तो आपको जाना है यहाँ पे यूजर्स के अंदर दोस्तों। यूजर्स के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है, गेस्ट दिख रहा है और SSD3 दिख रहा है। अभी मेरा तो SSD3 कंप्यूटर का नाम है, लॉगिन नेम तो वही है, तो मैं इसी को सेलेक्ट करूंगा। इसी के ऊपर राइट क्लिक करके मैं सेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। तो सेट पासवर्ड जैसे मैं क्लिक करता हूं दोस्तों, यहां पे एक डायलॉग बॉक्स फिर से आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आपको ओल्ड पासवर्ड नहीं पूछा है। बिना ओल्ड पासवर्ड के आप यहां पे एंटर करेंगे नया पासवर्ड, आपको जो चाहिए पासवर्ड दे सकते हैं। बिना पासवर्ड देके ही मैं यहां पे ओके कर देता हूं। यहां पे पासवर्ड हैज बीन सेट, ये मैसेज आपके सामने आ रहा है दोस्तों, और ये आपका पासवर्ड सेट हो चुका है, यानी कि ब्लैंक पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है। अब चलिए डायरेक्टली हम इसे क्लोज करते हैं डॉस विंडो को और लॉग इन करके देखते हैं। तो यहां पे आप लॉग इन करके देखिए, ये लॉग इन हो चुका है। तो दोस्तों विदाउट ओल्ड पासवर्ड पासवर्ड कैसे रिसेट करना है ये मैंने इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ऑलरेडी आपने लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कैसा लगा आज का ये वीडियो। मैं इंतजार करूंगा आपकी कमेंट का दोस्तों। और साथ ही में अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बनाना आता है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने रखी, बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है और उसके लिए जो ISO फाइल चाहिए वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है। दोनों भी डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ISO फाइल बड़ी रहती है। डाउनलोड होने के बाद फिर बूटेबल पेन ड्राइव बनाइए और एक बार आपके कंप्यूटर में जरूर ट्राई कीजिए। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने ये सक्सेसफुली रीसेट कर दिया है। मुझे उम्मीद है आप सब करेंगे ये। तो चलिए मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों। लेकिन चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। बाकी भी कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस वो भी देखना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कि सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।